Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमिन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया. फ्रेंड्स, इस काइट को जो है बूमरैंग काइट बोलते हैं, और इससे ही मिलता जुलता एक काइट और होता है, जैंगो काइट. तो फ्रेंड्स, बूमरैंग एंड जैंगो काइट में क्या फ़र्क होता है मैं बता दूँ कि बूमरैंग में ये पंख होता है, जैंगो में भी इस तरह का पंख होता है, लेकिन बूमरैंग का जो पूंछ होता है फ्रेंड्स वो डिफरेंट होता है. जैंगो का पूंछ वी शेप में होता है. तो फ्रेंड्स, इस पतंग को अभी अभी हम लोगों ने बनाया, तो हमने सोचा कि ना इसको ट्राई करके देखा जाए, क्योंकि काइट फाइटिंग से पहले ट्रायल करना जरूरी है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूकलिप्टस के पेड़ में हमारा एक और जैंगो काइट जो है कट करके जा चुका था, वो पेड़ में अभी भी फंसा हुआ है. अभी दिखाता हूँ मैं आपको. और इसको तो चलिए इसको उड़ा करके देखते हैं. अभी हल्का सा जो है फेविकॉल अभी भी थोड़ा सा गीला है, लेकिन ज़्यादा खींचेंगे वचेंगे नहीं. तो फ्रेंड्स, आपको ये पतंग का डिज़ाइन कैसा लगा? तो चलिए इसको ट्राई करके देखता हूँ. हवा की स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जैंगो जो है बहुत मस्त है. आपको मैं बता दूँ कि फ्रेंड्स, इसका जो ठड्डा होता है वो बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन कमान काफ़ी बड़ा कमान होता है फ्रेंड्स इसका, और कमान बिल्कुल डिफरेंट होता है. ये देखिए इसका लेफ्ट चक्कर, और अब इसको मैं चेक करूँगा, इसका जो है राइट चक्कर चेक करूँगा. तो चलो राइट चक्कर भी दिखा दो हमारे सब्सक्राइबर्स को. राइट चक्कर भी सही है, स्ट्रेट है बिल्कुल, एकदम 90 डिग्री पे फ्रेंड्स, 90 डिग्री. ये देखिए इसका बिल्कुल एकदम झप भी सही पड़ेगा, ठीक है, मस्त पतंग है फ्रेंड्स. मैं आपको बता दूँ कि उड़ने में बहुत ही परफेक्ट है. आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो फिर मैं इसमें रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, तिरंगल सब बना सकता हूँ फ्रेंड्स, हर कलर में बन सकता है ये. और इस तरह की पतंग से हमने काइट फाइटिंग करी हुई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ. मस्त पतंग है फ्रेंड्स, उड़ने में बहुत ही लाजवाब है. अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि इसको लाइव बना करके दिखाओ, तो फ्रेंड्स मैं लाइव भी बना करके दिखा दूंगा आप लोगों को. एक बार फिर से इसका चक्कर वगैरह चेक करूं मैं. सबसे पहले राइट चक्कर चेक करता हूं. चलो राइट चक्कर दिखाओ. ये टनाटन 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 टनाटन, राइट चक्कर बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स. अब इसका लेफ्ट चक्कर भी चेक करूँगा मैं. चलो मेरे सब्सक्राइबर्स को लेफ्ट चक्कर भी दिखाओ. ये लेफ्ट चक्कर भी सही है फ्रेंड्स, यानी पूरी पूरी की पूरी तरह से ये फ्रेंड्स फाइटर काइट है. आप इसको कोई ऐसा वैसा मत समझ लेना, कहीं धोखे में आ जाना कि इससे काइट फाइटिंग नहीं होगी. इससे बड़ी ज़बरदस्त काइट फाइटिंग होगी फ्रेंड्स, और ये पौनी, अद्धी, मझोली सबको टक्कर देगा. और ये फ्रेंड्स हमने बहुत ही लाइट वेट पतंग बनाया है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस पतंग को हमने बहुत ही लाइट वेट बनाया है. ये हैवी वेट पतंग नहीं है, ये 123 से भी उड़ जाएगा, 8400 से भी उड़ जाएगा. दिखने में ये इतना बड़ा है, इसका कमान ठड्डा जो है, इसका जो कमान है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा कमान है, लेकिन बहुत लाइट बनाया गया है फ्रेंड्स इसको. और इसका जो ठड्डा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पौने से एक इंच बड़ा ठड्डा है इसका, लेकिन कमान काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स. टोटल कमान 45 इंचेस के करीब है इसका. पूरी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये अभी पतंग को दिखाओ फ्रेंड्स, हम इसका झप मोड़ना ही भूल गए थे फ्रेंड्स, पतंग हमारी झप खा गई, और झप खा करके फ्रेंड्स इसके अंदर फंस गई है. दिखाना वहाँ पे, ये देखिए धागा जा रहा है फ्रेंड्स. अब इसको निकाले कैसे, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया. तो फ्रेंड्स, इस तरह की पतंग अगर आपकी कभी फंस जाती है, बहुत आसानी तरीके से ये निकल जाती है. तो कैसे निकलती है मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, जैसे ये मेरी पतंग की सद्दी है, सद्दी से उड़ा रहा था. आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. तो इसको मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ. ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, और इसको हल्का सा टाइट करके यहाँ पर बांध दिया. ये देखिए, इसको हमने दिया बांध यहाँ पर. अब मैं लाता हूँ दूसरी पतंग, जो मैंने काइट फाइटिंग के लिए यहाँ पर दूसरी पतंग रखी हुई है फ्रेंड्स.
ये देखिए, ये काइट फाइटिंग के लिए हमारी दूसरी पतंग है। इस पतंग से उस पतंग को निकालूंगा, आप लोग देखिएगा। हर कोई ये ट्रिक आपको बताएगा नहीं फ्रेंड्स, हर कोई जो है आपको ये ट्रिक नहीं बताएगा। और पतंग में देखिए, हम झप मोड़ना भूल गए तो हमारी पतंग जो है उछल करके झप खा करके गिर गई। तो इसलिए फ्रेंड्स, झप मोड़ना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बगैर झप का पतंग उड़ाने से फ्रेंड्स कभी कभी नुकसान हो जाता है, जैसे अभी हो गया मेरे को। अभी देखिए, इस पतंग को हम उड़ाएंगे और इससे उसको निकालेंगे। 100% नहीं बता सकता फ्रेंड्स, 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि निकल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि हम अपनी बचपन में फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पास में आओ, इधर आओ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने धागा बांधा था इसको हमने लिया, तोड़ लिया, तोड़ करके इस धागे को अब हम सद्दी को इसमें बांध देंगे अपने पतंग के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बांध दिया, अब इसको हम जाने देंगे आगे। अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ फ्रेंड्स कि ये निकल ही जाएगा। वो देखिए फ्रेंड्स, निकाल करके ले आया, देखा आपने कितना इजीली निकल गया फ्रेंड्स, देखिए आप, है ना। लेकिन मेरी पतंग फट गई है फ्रेंड्स, लेकिन इसको तो अभी मैं जोड़ लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स पतंग आ गई, देखिए एक सेकंड में मैंने निकाल लिया। इधर दिखाओ मेरे को, ये देखिए फ्रेंड्स, पतंग हमारी आ गई। और ओए होए होए, ये जा कहाँ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पतंग तो हमारी आ गई, लेकिन पतंग हमारी साइड से फट गई है, क्योंकि वहाँ पे जो डिश टीवी का एंटीना था उसमें टकरा करके फट गया है। अभी इसको हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन पतंग हमारी सही सलामत आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जोड़ने लग रहे हैं। सेब खराब हो गया फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं उड़ा करके। तो फ्रेंड्स, हमारी पतंग जो है सही सलामत वापस आ गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये फट गया था, और लेकिन हमने इसको जोड़ लिया है। और लेकिन जिस ट्रिक से मैंने फ्रेंड्स निकाला इसको, एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताऊं कि वो जो डिस उधर दिखाना एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो डिश टीवी का एंटीना लगा हुआ है, पतंग का जो धागा था मेरा इस तरह से वी शेप में फंस गया था, ऐसे वी शेप में फंस गया था। तो पतंग आकर के इस तरह से फंस गया था, तो पतंग निकल नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, पतंग को निकालने के लिए जो मैंने पतंग में दूसरी पतंग उड़ाई और उसको बांध दिया, और उसको जब मैंने ढील दिया तो वो धागा जो है इस वी शेप से बाहर हो गया। आप लोग इस तरह से पतंगों को, फंसी हुई पतंग को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक सेकेंड के लिए मैं पतंग को चेक भी कर लूँ। थोड़ा सा उड़ा करके देखूंगा, क्योंकि ये पतंग तो फ्रेंड्स फट चुकी है, अभी इसको किसी दिन लड़ा ही दूंगा मैं। अभी भी उड़ रही है, ठीक ठाक ही उड़ रही है, लेकिन मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। हमारी पतंग वापस आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चक्कर वगैरह चेक कर लूँ एक बार फिर। ये रहा इसका लेफ्ट चक्कर, ये रहा इसका राइट चक्कर। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसको उतार लूँ। एकदम ठीक है फ्रेंड्स, पतंग थोड़ी सी फट गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको ट्रिक बताया फ्रेंड्स, अगर आपकी पतंग कभी इस तरह से फंस जाए डिस एंटीना में, या किसी पेड़ वगैरह में इस तरह से फंस जाए, या तार में फंस जाए, तो आप पतंग को बहुत बहुत इजीली निकाल सकते हो उसके लिए। लेकिन आपको दूसरी पतंग का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अगर पैर में कांटा चुभ जाता है तो दूसरे कांटे से आप उस कांटे को निकाल सकते हो, उसी तरह से अगर पतंग अगर पेड़ में फंस जाए, या तार में, या किसी भी डिस एंटीना में फंस जाए, तो फ्रेंड्स आप उसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने निकाला आपको दिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को बंद करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ पतंग के डिज़ाइन को भी एक लाइक कर देना। आप लोग कंजूसी मत किया करो यार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, काइट फाइटिंग के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।